Hello friends, welcome back to Career Setting. I'm Kabir Bhupesh Raj, Career Transformational Coach and Personal Brand Strategist. आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जाम के कुछ हैक्स जो आपके विद द सेम कंटेंट आपके मार्क्स को मैक्सिमाइज कर देंगे, आपको ज़्यादा मार्क्स देंगे. एक ऐसी प्रूवन टेक्निक बताने वाला हूँ जो शायद कोई आपको बताएगा नहीं, इनसाइडर वाली चीज़ें बताने वाला हूँ. मेरा खुद का एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा है पढ़ने में और पढ़ाने में भी. मैंने पढ़ाया है, पेपर चेक किए हैं और मुझे पता है, बहुत सारे लोगों से पूछा है और पता है कि क्या टेक्निक काम करती है, कौन सी नहीं करती है. अब आपको मैं वन बाय वन सारी चीजें बताने वाला हूं, बट सबसे पहले ये बता दूं कि देखिए एग्जाम सिर्फ दो चीजों का खेल है. कौन से दो चीज है वो आपको बता रहा हूं. एक होता है पर्सुएशन, दूसरा होता है परसेप्शन. ओके, कौन सा? पर्सुएशन एंड परसेप्शन. अब लेट्स टॉक अबाउट द परसेप्शन. परसेप्शन मतलब क्या है? आपको आपके इवेल्यूएटर को एक आपके एग्जामिनेशन के जो प्रोसेस है, मतलब आपके आंसर पेपर जो है, आंसर पेपर के थ्रू एक मैसेज देना है कि वो आपके बारे में क्या सोचेगा. इट्स ऑल अबाउट दैट. ठीक है, देखियो ये आपको समझना होगा कि जो आपका पेपर चेक कर रहा है वो भी एक इंसान है, उसके भी एक माइंड साइकोलॉजी होगी कि वो पेपर को देखते ही जज कर जाए और हो सकता है कि कहीं ना कहीं देयर इज स्लाइट चांस ऑफ बायसनेस टुवर्ड्स द पेपर्स. ओके, अब वो जानता तो नहीं है आप कौन हो, किसने लिखा है, क्या नाम है, कौन सी कॉलेज से, कुछ नहीं जानता है, बट वो सिर्फ आपके पेपर से आपको जज करने वाला है. ठीक है, और जज तो 100% हर कोई करता ही है. अब डिपेंड है कि कितना वो उसमें एग्जामिनेशन का सिस्टम क्या है, कैसे मार्क्स दे रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द टाइम तो ये होने वाला है कि आपका पेपर को पहले कुछ ही बलों में वो परसेप्शन बिल्डअप हो जाता है. ठीक है, तो ये होता है परसेप्शन जो आप बिल्डअप करवाना चाहते हो और जो आप सोच रहे हो कि कैसे वो आपके पेपर को जज करे. दैट्स वन थिंग. सेकेंडली आपका होता है परसुएशन. परसुएशन मतलब आप उसको परसुएट कर रहे हो कि आई नो द क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. मुझे उस क्वेश्चन को पता है, मुझे वो आंसर पता है, मैं जानता हूं उसके बारे में, आपको इन चीजों पर फोकस करना है. तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो दोनों भी चीजें हैं इसको करवाया कैसे जाए, कि कैसे आप यकीन दिलाओ, परसेप्शन आपका बना दो इवेल्यूएटर का कि आप सिंसियर हो, आप सीरियस हो आपके पढ़ाई के बारे में, और ये भी कि उसको परसुएट कर लो कि आपको सारे आंसर पता है, आपने बहुत अच्छे से लिखा है, एंड दिस डिजर्व्स गुड मार्क्स. ओके, योर आंसर पेपर डिजर्व्स गुड मार्क्स. अब देखते हैं कि इसको करने के क्या तरीके हैं. कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो आपको विद द सेम कंटेंट मैक्सिमाइज कर जाएगी आपके मार्क्स. ओके, वन बाय वन चलते हैं. तो पहली टेक्निक विच इज माई मोस्ट फेवरेट इज वेन यू गेट द क्वेश्चन पेपर एंड आंसर पेपर. आपको पता होगा देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस गेटिंग क्वेश्चन पेपर एंड आंसर पेपर. सबसे पहले क्या आएगा आपके पास? यू विल हैव आंसर पेपर फर्स्ट एंड देन यू विल हैव क्वेश्चन पेपर. आंसर पेपर सबसे पहले आएगा आपके पास, उसके बाद कुछ मिनटों के बाद क्वेश्चन पेपर आना है. तो जब आंसर पेपर आपके साथ पास आता है तो यूजुअली हम प्रैक्टिस में क्या करते हैं, आप अपने नाम, रोल नंबर वगैरह डालते हो, गुड इनफ, बट इस बार कुछ अलग कीजिएगा. देखिए पूरा गेम है इंप्लीमेंटेशन का, लर्निंग मेरे पास बहुत सारी है, बहुत सारी टेक्निक्स बताऊंगा, सीक्रेट्स बताऊंगा, इंप्लीमेंट आपको करना है एग्जाम में और देखिए रिजल्ट कैसे आता है. तो पहले जैसे आपके पास आंसर पेपर आ गया, लीजिए उसको, क्या कीजिए, सामने कुछ नहीं लिखना, पीछे जाना है. अब पीछे क्या करना है? पीछे नाम नंबर वगैरह नहीं लिखना, पीछे आपको जो टॉप रहता है वहां पे लिखना है रफ वर्क. क्या लिखोगे? रफ वर्क. अब इससे क्या हो जाएगा? इससे स्ट्रांग परसेप्शन जाएगा इवेल्यूएटर को कि यह बंदा जानता है कि यह क्या पढ़ के आया है, क्या करने वाला है, और उसको पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए एक सेक्शन बनाया रफ वर्क का जहां पे ये अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है. बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आता है आपकी सिंसियरिटी का, आपके डेडिकेशन का, आपके ऑर्गेनाइज होने का, और ओवरऑल आपकी स्टडी के रिलेटेड हार्डवर्क का. सब बहुत ज्यादा से एक स्ट्रांग परसेप्शन जाएगा जिसका फायदा आपको मिलने वाला है. ठीक है, रफ वर्क. अब रफ वर्क तो कर लिया, अब करना क्या है? रफ वर्क के नीचे क्या लिखना है? रफ वर्क के नीचे आपको क्या करना है? ऐसे जो भी सवाल जो आपको लगते हो शायद आएंगे, इंपॉर्टेंट है, या ऐसे कोई भी पॉइंट जो आपको लगते हो कि आपको अभी तो पता है लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आप भूलते जाओगे, या कोई क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता चल गया, क्वेश्चन पेपर आ गया और आपको लगता है कि इसके कुछ पॉइंट्स आप भूलने वाले हो, तो क्या करना है? रफ वर्क पे जाना है, नीचे आपको वो सारे के सारे की पॉइंट्स लिखना है. एक्सप्लेन नहीं करना है, इन डिटेल नहीं लिखना है, लेकिन की पॉइंट्स लिखना है. इससे क्या हो जाएगा? इससे आपका पूरा का पूरा डेटा जो है, आपको जो ध्यान में था या जो भूलने वाले थे, वो एक पेज पे, लास्ट पेज पे आपका जमा है. तो जब भी आप कुछ भूल रहे हो पीछे जाइए, देखिए, उठाइए, उसको लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन एंड परसुएशन. ये होगा पहली आपकी टेक्निक. दूसरी टेक्निक आपको बता रहा हूं, दूसरी टेक्निक क्या है कि जैसे ही आप आपका आंसर लिखना स्टार्ट करते हो,
हमेशा याद रखिएगा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मत जाइए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जैसा आपका क्वेश्चन पेपर है उसी ऑर्डर में आपका आंसर पेपर मत लिखिए। सबसे बड़ा इसका लॉजिक ये बताता हूँ कि आपको क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर कैसे चेंज करना है, मान लो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा जिसमें 2 शॉर्ट नोट्स है 5-5 मार्क्स की, क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें थोड़ा मीडियम आंसर है जिसमें होगा 10-10 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 3 है 20 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 4 होगा अगेन 5-5 मार्क्स का। इसमें हमारी टेंडेंसी क्या होती है, वी गो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, डोंट डू दैट, डोंट कमिट दैट मिस्टेक। व्हाट यू शॉल डू इंस्टेड कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 उठाना है विच इज फॉर द मैक्सिमम मार्क्स, 20 मार्क का क्वेश्चन आंसर है उसको उठाओ, उसको लिखना स्टार्ट करो। अब इससे क्या हो जाएगा, दो तीन चीजें देखिए। जैसे ही आपका पेपर अगर आता है, मान लो एक इवेल्यूटर आपका पेपर चेक कर रहा हो, 8-10 पेपर क्वेश्चन नंबर 1-1-1 से स्टार्ट हो रहा है और सडनली आपका क्वेश्चन जो आंसर पेपर है वो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो गया, एक तो क्या हो जाएगा, हिट पॉइंट मिल जाएगा, हुक मिल जाएगा, कुछ कुछ डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है, अब ये बोलने के लिए डिफरेंस थी, उसके पीछे भी साइकोलॉजिकल रीजन है वो भी बताता हूं, लेकिन इवेल्यूएटर को आपने यहाँ पे हुक कर लिया, पकड़ लिया कि उसको लगे कि कुछ तो अलग है इसमें। ठीक है, दैट्स वन थिंग। सेकेंडली, आप जानते हो कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो आप क्या करते हो, आपका सबसे बेस्ट जो है वो इनिशियल हाफ एन आवर में ही मिलता है। उसके बाद तो क्या होता है, आपको पता चलता है कि टाइम रश हो रहा है, टाइम लिमिट नहीं है, वक्त नहीं बचा, ये सारी चीजों में क्या होता है, आप हड़बड़ा जाते हो, गड़बड़ करते हो, और आपका जो हैंडराइटिंग है वो भी जैसे जैसे पीछे पीछे जाओगे खराब होते जाता है, आपका थॉट प्रोसेस जो है वो भी धीरे धीरे खराब होते जाता है, बीच में कुछ भी आप पॉइंट मेंशन करते रहते हो, और जैसे जैसे आप आगे जाओगे कंटेंट भी आपका कम कम होते जाता है। राइट, तो पहले के कुछ टाइम में आप बहुत एक्साइटेड होते हो। अब मैंने क्या देखा है, यहाँ पे लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि जो 5 मार्क का क्वेश्चन है उसको वो हाफ एन आवर ले रहे हैं लिखने के लिए और 6-7 पेजेस ले लिया उन्होंने लिखने के लिए, क्यों, ओवर एक्साइटेड थे। अब इसकी जगह अगर आप यही क्वेश्चन नंबर 3 के साथ करते 20 मार्क्स का, तो क्या होता, आपको मार्क्स भी मैक्सिमम मिलते हैं, क्योंकि 5 मार्क के आंसर को आप कितना भी अच्छा लिखो मिलेंगे तो 5 ही, दैट्स द लिमिटेशन। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन 3 लिखा होता 20 मार्क्स का तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते थे। तो याद रखिएगा कैसे जाओगे, आप सबसे बड़ा जो आंसर होगा उसको लिखिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह के ऑर्डर को आपको फॉलो करना है, ताकि एंड में अगर आपको कोई छूट भी जाए तो 5 मार्क का होगा, वो 20 मार्क का नहीं होगा। ठीक है, तीसरा, अगर कोई क्वेश्चन आंसर आपका छूटने वाला है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा कि आपको उसके लिए मार्क्स मिलेंगे, इसलिए ये ध्यान में रखिए कि कोई भी आंसर ना छूटे। जैसे कि मान लो अगर आपको 10 मिनट्स आपके पास बचे हैं और 2 शॉर्ट नोट 5-5 मार्क्स के लिखने हैं, तो आप क्या करोगे, ऐसे में सिंपल लॉजिक है, आप क्या करोगे, पहला वाला पहले लिखने की कोशिश करोगे, फिनिश करने की कोशिश करोगे, फिर दूसरे वाले पे जाओगे, पर आपको पता है दूसरे वाले तक आपके पास टाइम ही नहीं बचने वाला। ऐसा मत कीजिए, पहले वाले को आधा लिखिए, फिर दूसरे वाले को आधा लिखिए, और अगर टाइम बचता है तो पहले वाले को कंप्लीट कीजिए। हमेशा याद रखना, कोई भी आंसर ब्लैंक मत रखिए, आपका कोई भी आंसर ब्लैंक मत रखिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि मतलब मेरे पास जो टाइम बचेगा उसमें जितना होगा उतना लिख लूंगा और बाकी के छोड़ दूंगा, ऐसा मत कीजिए। हो सकता है 2 आधे, इट्स बेटर देन 1 कंप्लीट इन दिस, ओके। आपके एग्जामिनेशन में हमेशा याद रखिए, 2 आधे जो रहेंगे, 2 हाफ्स आर बेटर देन 1 कंप्लीट, ओके। सो ये स्ट्रेटेजी, थर्ड स्ट्रेटेजी जो आपको बताइए वो भी आपको बहुत बहुत आपको हेल्प करने वाली। फोर्थ स्ट्रेटेजी बताता हूँ, आपके इवेल्यूएटर के साइकोलॉजी में, माइंडसेट में लेके जाता हूँ, उसके दिमाग में लेके जाता हूँ आपको। देखिए क्या होता है, मोर देन 90% ऑफ द इवेल्यूएटर्स, पहले से ये परसेप्शन बना चला है कि जितना ज़्यादा लेंदी कंटेंट होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। और मैंने जैसे कि बताया कि परसेप्शन अगर बन गया तो मार्क्स भी वैसे मिलने वाले आपको। तो मान लो कहीं 8 मिल रहा तो 9 मिल जाता है, कहीं 7 मिल रहा तो 8 मिल जाता है, ऐसे इस परसेप्शन का ये फायदा होता है, बायसनेस का ये फायदा होता है, एक एक मार्क कहीं एक्स्ट्रा बन जाता है और ऐसे करके टोटल मार्क्स में 10-12 मार्क्स अपने बढ़ जाते हैं। राइट, तो अब आपको बताता हूँ होता क्या एग्जैक्टली। देखिए दोस्तों, अगर आप कंटेंट का लेंथ बढ़ा दोगे, ठीक है, तो एक अलग परसेप्शन जाएगा आपका जो भी इवेल्यूएटर है उसके दिमाग में। इसलिए इसमें 2 टेक्निक बताता हूँ लेंथ बढ़ाने की। एक तो है कि कुछ भी हो जाए एक सप्लीमेंट्री तो लीजिएगा ही, ठीक है, एक्स्ट्रा पेपर है वो लेना ही लेना है आपको, चाहे आपको आता हो ना आता हो, ये मत सोचिए कि इतने में ही कंप्लीट करेंगे। देखिए ये कोई UPSC का एग्जाम नहीं है कि 300 अगर वर्ड्स में बताया तो आप सिर्फ 310 वर्ड में लिखो, ये अलग टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं, यहाँ पे इवेल्यूएटर अलग टाइप के होते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ज़्यादा लिखो, तो ज़्यादा लिखना है आपको, सप्लीमेंट्री लेनी है वो एक अलग
परसेप्शन बनाएगा. दैट्स वन थिंग. दूसरा, कंटेंट को बढ़ाना कैसे. कंटेंट को बढ़ाने का एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ आपको, जो आपको बहुत हेल्प करेगा. देखिए दोस्तों, मान लो आपका क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, उसको अगर आप लिख रहे हो तो पहले उसमें इंट्रोडक्शन लिखोगे. इंट्रोडक्शन में क्या करोगे आप समरी दोगे कि आप क्या बताने वाले हो, उसका एक इंट्रोड्यूस कर दोगे सारे पॉइंट्स का, जस्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए वहाँ पे. उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, मान लो कि इंट्रोडक्शन जैसे ही खत्म हुआ तो नया पैराग्राफ मत स्टार्ट कीजिए, वहाँ पे आप माइंड मैप दीजिए या फ्लो चार्ट दीजिए. फ्लो चार्ट क्या होता है, एक मेन पॉइंट है, उसके जो भी सारे सब पॉइंट है उसको आप फ्लो चार्ट में बना दीजिए, या माइंड मैप वो बादल टाइप आता है वैसे करके बना दीजिए. उससे क्या होगा, आपका हाफ पे तो ऐसे कंप्लीट हो जाएगा और आगे वाले पेज में आपका लेंथ भी बढ़ जाता है, कॉन्टेंट भी, और सामने वालों को लगता है कि कॉन्टेंट बढ़ गया. ठीक है, दूसरा आप पॉइंट फॉर्म में भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, उससे भी लग सकता है कि कॉन्टेंट बढ़ गया. अब इसका फायदा ऐसा होता है कि इवेल्यूटर को भी, इवेल्यूटर के पास इतना सारा टाइम नहीं है 3 घंटे की आपका पेपर वो पढ़ ले सारा जैसा आपने लिखा है, राइट. उसको तो कुछ मिनटों में समझना है कि आपने क्या लिखा है. तो अब आपके पास यहाँ पे क्या मौका है, उसको कुछ सेकंड में आइडिया देना कि विजुअल आपने जो बनाया है उस विजुअल से उसको आइडिया मिल जाएगा, अच्छा इसको ये सब पता है, इसने सारे पॉइंट मेंशन करके रखे, सो ही गेट्स दैट आइडिया. तो वहाँ पे आपको मार्क्स अच्छे बन जाएंगे. ठीक है, और आपको लास्ट वाली टेक्निक बताता हूँ जो काफ़ी पावरफुल है और बहुत सारे लोग देखो पता नहीं करते तो है पर मिस आउट कर जाते हैं. क्या करना है, जितने भी की पॉइंट्स कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट करना ना भूलिए. जैसे आपको लगता है ये वाला की पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, उसको बीच में आंसर में अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दीजिए आखिर में, ताकि इससे क्या होगा, इससे एक अलग मैसेज जाएगा कि आपने उस पॉइंट को हाईलाइट किया, आप प्रेशराइज करना चाहते हो उसका अटेंशन, आपके इवेल्यूएटर का अटेंशन आप ग्रैब करना चाहते हो. ये कुछ टेक्निक्स थी जो मुझे लगता है अगर आप ट्राई करो, आप इंप्लीमेंट करो तो देखिए 100% आपको रिजल्ट अलग मिलेंगे जो आपको मिलते चले आए थे. अब मैं इसको कैसे बताओ कि आपको कैसे एग्जैक्टली वन बाय वन मिलेगा, जैसे मैंने बताया था ऑलरेडी आपको कि परसेप्शन का खेल है. जहां 6 मिलने वाला है तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट होकर आपको 7 दे देगा, जहां 5 मिलने वाला सॉफ्ट होकर थोड़ा 6 देगा, ऐसे करके 10-12 मार्क तो आपके यही बन जाएंगे. आई होप ये टेक्निक आपको हेल्प करे. और दोस्तों जैसे आपकी एग्जाम खत्म होती है और अगर 10th और 12th में हो तो आपको, आप जानते हो सबसे बड़ा चीज आपके सामने आने वाला है वो है करियर कंफ्यूजन, करियर में क्या करें. बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आप सबको देना चाहता हूँ. देखिए अपने ताया, चाची, चाचा, नाना, मामा, ये इनकी मत सुनिएगा, थोड़ा सोचिए. करियर का जो डिसीजन है वो बहुत बड़ा डिसीजन होता है हमारी लाइफ का. थोड़ा सा ऐसे लोगों से पूछिए जो इस बारे में जानते हो. अगर हमसे पूछना चाहते हो तो हमसे पूछने के लिए आप कभी भी हम लोग आपके लिए अवेलेबल हैं, आप हमसे पूछ सकते हो. इसके साथ ही हमने एक बहुत बड़ा इस फील्ड में काम किया है कि हमने इंडिया में जितने भी मेजर एंड माइनर करियर ऑप्शन से उनको इकट्ठा किया एक जगह पे, स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे कर सकते हैं उसको देखा, वो सारी प्रोसेस को एक जगह पे लाया और सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन कौन से है उसको देखा, उसको उसमें डाला है. और उसके बाद किस करियर में क्या स्किल लगते हैं, किस करियर में काम किस तरह का होता है तो हमको ऑलरेडी पता हो, और किस करियर में सैलरी कितनी मिलती है, इस सबको एक जगह पे हमने कंपाइल किया और इसको नाम दिया है हमने करियर डिस्कवरी हैंडबुक. ये सिर्फ करियर डिस्कवरी हैंडबुक नहीं है, करियर इंसाइक्लोपीडिया है, जिसमें इंडिया में सारे के सारे मेजर माइनर करियर ऑप्शन आपको एक जगह पे मिल जाएंगे. और हम इसको डिस्काउंट ऑफर में अभी आपको दे रहे हैं. अगर आप चाहते हो इसके बारे में ज़्यादा जानना तो मैंने लिंक नीचे दे रखी है, आप लिंक पे जा सकते हो, क्लिक कीजिए, देखिए आपको कैसा लगता है. और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा. अगर आप नए हो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलने वाले हैं. कमेंट करके हमको बताइए, हमें बताइए कि अगला वीडियो किस पर बनाएं, और हमेशा हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद.